तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि बेसिकली देखो, इसमें क्या है कि सपोज यू हैव मेड ए सोलर सिस्टम, हमने नया सोलर सिस्टम बनाया, इन विच स्केल डाउन रेशियो इज ईटा टाइम्स दैट अ मटेरियल ऑफ द सेम मीन डेंसिटी एक्चुअल मटेरियल ऑफ द प्लैनेट एंड सन। स्केल मॉडल जो हमने बनाया, लेकिन हमने स्केल डाउन कर दिया ईटा टाइम्स। स्केल डाउन मतलब जो वो डिस्टेंस थे उसको मैंने ईटा टाइम्स कम कर दिया, रेशियो जो है, जो भी लीनियर डिस्टेंस इन्वॉल्व थे उसको मैंने ईटा टाइम्स कम कर दिया। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट अराउंड इन दिस, में मतलब अगर कोई प्लेनेट है यहाँ से, अगर ये प्लेनेट है तो उसका टाइम पीरियड कैसे इफेक्ट होगा। तो अगर ये प्लेनेट है तो ये इस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, और इसका टाइम पीरियड टी होगा। तो ये टाइम पीरियड हमें पहले से रटा हुआ, हम लोगों को इसकी वैल्यू होती है 4π² इज इक्वल टू जी एम, एंड दैट इज ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का डिस्टेंस आर का बेसिकली क्यूब। ठीक है, तो मैं सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया हूँ। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सम मीन डेंसिटी सेम है। तो इस मास को मैं, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4π³ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। आर इज द रेडियस फॉर एनी प्लेनेट, प्लेनेट गोल है, गोला मान लेता हूँ। अरे नहीं, पी के मूवी देखे हो, किस गोले से आए हो, तो वो मैंने गोला मान लिया। तो हमारा जो गोला था वो गोल था। तो यहाँ से 4π² इज इक्वल टू जी, और 4π³ गोले का, मेरे भाई गोले का रेडियस, और ये गोले का सन से डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 4π² इज इक्वल टू यहाँ से, तो ये और मल्टीप्लाइड बाई 3 ऊपर उड़ गया, तो 4G π, और ये स्मॉल आर कैपिटल आर की पावर क्यू, दैट इज टाइम पीरियड टी का स्क्वायर। तो ये डेंसिटी के टर्म में, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, और यहाँ डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा अगर फैक्टर देखोगे, ये ध्यान से देखोगे, तो ये पूरा जो फैक्टर है वो क्या है भाई, तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। समझ में आया? तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। तो अगर ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये पूरा का पूरा रेशियो जो है वो ईटा टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, ईटा टाइम्स कम हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, समझ रहे? तो जब आर भी कम हो रहा है उसी रेशियो में और कैपिटल आर भी उसी रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, तो कुल मिला के क्या होगा? तो ये स्मॉल आर अपन कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी भाई। तो स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से तुम्हें कांस्टेंट मिलेगी। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन फाइनली एनालिसिस कर सकता हूँ कि स्मॉल आर अपन कैपिटल आर की वैल्यू डिक्रीज होता है, ये रेशियो डिक्रीज होता है ईटा टाइम्स। तो अगर ये पूरा डिक्रीज हो गया तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया, और इट डज नॉट अफेक्ट। सो टाइम पीरियड इज रिमेंस कांस्टेंट, इट डज नॉट अफेक्ट। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।